इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कभी कभी आपको प्ले स्टोर पर इस तरीके से दिखाता है, डेटा चार्जेस में अप्लाई इफ़ यू डाउनलोड नाउ। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। जब हम किसी चीज़ को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, बड़ी 1-2 GB की होती है जैसे कि तो वो इसलिए यहाँ पर नोटिस देता है कि अगर आप मोबाइल डेटा से यूज़ करेंगे इसको, तो उसमें जो है आपका जो है डेटा चार्जेस लग सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। डेटा चार्जेस जैसे जैसे कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है और मेन बैलेंस है तो वो लग सकता है, या फिर डेटा जो चार्जेस हैं वो लग सकते हैं, जैसे कि मोबाइल डेटा हुआ, MB हुआ, तो वो ख़त्म हो सकती हैं। तो इस चीज़ का आप इसमें नोटिस दिया जाता है। बाकी यहाँ पर आप अगर वाईफाई से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, अगर तो वो इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिखाता है, क्योंकि वाईफाई में अगर मोबाइल डेटा नहीं है तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब कि MB वगैरह डेटा वगैरह नहीं है, इंटरनेट डेटा, तो और एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। तो ये इस वजह से दिखाता है। अगर यहाँ पर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।